थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नवादा की एक छात्रा ने विद्यालय के एक शिक्षक नीरज श्रीधर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इस मामले की जानकारी होने के बाद छात्रा के स्वजनों ने सोमवार को विद्यालय में पहुंचकर जमकर हंगामा करने के साथ ही शिक्षक के साथ मारपीट भी की। इसकी सूचना पर गढ़वा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिक्षक को हिरासत में ले लिया, जबकि छात्रा के पिता ने गढ़वा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन भी दिया। जानकारी के अनुसार पीड़िता राज के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नवादा में 8वीं कक्षा की छात्रा है। सोमवार को छात्रा ने शिक्षक नीरज श्रीधर पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए अपने घर वालों को जानकारी दी। तब उसके घर के लोग उसकी शिकायत करने के लिए विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापिका बबीता देवी के पास पहुंचे। वहीं पर प्रधानाध्यापिका ने छात्रा को बुलाकर पूछताछ भी की। पूछताछ के दौरान छात्रा ने शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उसके बाद पीड़िता ने स्वजन आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। आक्रोशित लोगों ने शिक्षक नीरज श्रीधर के साथ मारपीट भी कर दी। तब तक किसी ग्रामीण ने गढ़वा थाना पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिक्षक को हिरासत में लेते हुए गढ़वा थाने ले गए। इधर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापिका बबीता देवी ने बताया कि शिक्षक पर छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उसके स्वजन भी आवेदन के लिए दिए हैं। उस आवेदन को विभाग के अधिकारियों को भेजा जाएगा। जबकि आरोपित किए गए शिक्षक नीरज श्रीधर ने बताया कि छात्रा द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर आरोप लगाया गया। इधर गढ़वा के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ब्रज कुमार ने बताया कि छात्रा के पिता ने थाने में आवेदन दिया, उस पर प्राथमिकी दर्ज करने एवं शिक्षक को न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की जा रही है। गार्जियन कौशल जी के आने के बाद हमें पता चला कि 8 क्लास की एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत शिक्षक के द्वारा हुआ है, नीरज श्रीधर के द्वारा। तो इसका जानकारी लेने के लिए हम बच्ची को बुलाएं। बच्ची से पूछा गया कि क्या क्या हुआ, तो बच्ची ने बताई कि हमारे साथ नीरज श्रीधर ऐसे ऐसे किए हैं। तो उसके बाद सर से भी बातचीत हुआ, सर से हम बोले, सर हम एक्सपेक्ट भी किए हैं, घटना हुई है। कौन सा स्कूल में? उत्क्रमित मध्य विद्यालय नवादा। क्या कार्रवाई? देखिए इन लोग का चुनाव प्रबंधन समिति के द्वारा हुआ गया है, और जो प्रबंधन समिति के सदस्य निर्णय लेते हैं वही मानेगा, ग्रामीण वही मानेगा। बबीता देवी प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय नवादा। घर पे जानकारी थी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, तो उसके बाद हम लोग आए यहाँ, देखे, बात भी किए, और कहना क्या है इसमें, बस जानकारी मिला तो पहुँचे। बच्ची घर से क्या जानकारी यही मिला कि फिजिकल हरासमेंट किया गया है। क्या चाहते? कानून निष्कासित किया जाए, इनको यहाँ से हटाया जाए, इनको शिक्षा विभाग से हटाया जाए, शिक्षा विभाग से हटाया जाए, हो सके तो गांव से भी हटाया जाए। हाँ। ऐसे रखने सख्त से सख्त इन कार्रवाई किया जाए, कानून से अनुरोध है मेरा। काफी सारे लोग चलिए लगभग 12 बजे के लगभग उसके छात्रा के भतीजा फोन किया कि ऐसा बात हुआ है, तो हम यहाँ पे आए, तो यहाँ के मैम जो है प्रिंसिपल मैम भी है, आए देखे, सब ऑफिस में बैठे हुए थे। हम पूछे भी कि जो सुनने में आया सही बात है, तो यहाँ के जो गुरुजी हैं नीरज, वो एक्सेप्ट भी किए और यहाँ के मैम भी एक्सेप्ट किए, और बच्ची भी आके प्रिंसिपल मैम के पास आके अपना बयान दी है। तो ऐसे कोई भी अगर बच्ची अगर अपने घर से भेज रही है स्कूल के लिए, 5 घंटे अगर वो घर से बाहर भेज रही है, उस शिक्षक के ऊपर भेज रही है, और अगर शिक्षक ये करे तो बताइए कि कौन हिसाब से अपने बच्ची को पढ़ाया जाए। और इन हमें कानून से यही अनुरोध है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और इनको शिक्षा विभाग से दूर कर दिया जाए, और हो सके तो इनको नवादा से भी दूर कर दिया जाए, क्योंकि ये आज का ही बात नहीं है, बहुत सालों से ये सुनते आ रहे हैं कि इनका ये चलन है। आदमी कुछ सुन के भी इग्नोर कर देता है कि चलिए कुछ सुनता है, सुना हुआ बात कुछ झूठ भी हो सकती है, लेकिन आज देखा हुआ, आज सुना हुआ, कुछ बच्ची खुद आके बयान दी, मैम भी एक्सेप्ट किए और सर भी एक्सेप्ट किए हैं कि हाँ हमसे ये गलती हुई है। तो ये गलती, इसको गलती बहुत तरह की होती है, तो ये गलती इसको नहीं होता। लोग जेपीएस बजाज शोरूम में करें मनचाहा गाड़ियों की खरीदारी। गढ़वा जिले में एकमात्र ऐसा शोरूम जो आपको दे रहा है एक ही छत के नीचे हर वैरायटी की बजाज की गाड़ियां, साथ ही उसकी अच्छी सर्विस सेंस। जीपीएस बजाज शोरूम में मोटरसाइकिल सर्विसिंग के बाद
दौरान सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं। साथ ही डाउन पेमेंट पर भी गाड़ी की खरीदारी कर सकते हैं, हमारे पास उत्तम व्यवस्था है, तो जल्द करें और जेपीएस बजाज शोरूम टंडवा पूरनचंद चौक के निकट पहुंचकर गाड़ियों की खरीदारी करें। जेपीएस बजाज लेकर आया अच्छे माइलेज के साथ मजबूत एवं टिकाऊ सभी बजाज की गाड़ियां।